राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन टेंपल वृंदावन में और मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर। तो मंदिर में जाने से पहले हमको यहाँ रखने होंगे अपने जूते या चप्पल, जो भी हम कुछ पहनते हैं उनको यहाँ रख के जाना पड़ता है, या कहीं भी बाहर हम रख सकते हैं जहाँ हम रख सकते हैं। तो भैया को देते हैं अपना करके, भैया हमारी चप्पल रख देंगे और फिर हम चलते हैं अंदर के। लेकिन अंदर जाने से पहले एक प्रॉब्लम और है कि हमारे साथ है हमारा बैग, तो बैग को भी कहीं रखना होगा। तो शायद यहीं कहीं पूछते हैं किसी से, रखते हैं अंदर। तो बैग रखते हैं या क्लॉक रूम में, क्लॉक रूम में अपना बैग रख के चलते हैं अंदर। कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है यार, कितना समय लगेगा। वैसे दोस्तों बहुत बड़ी लाइन है, आज जन्माष्टमी है तो भीड़ कुछ ज़्यादा है, तो लाइन भी बहुत बड़ी है। अब कर रहे हैं इंतजार, लगे हैं लाइन में और फिर अपना जैसे ही बैग रखते हैं वैसे ही चलेंगे अंदर की तरफ। टेम्पल का प्रांगण भक्ति मरी दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर के पीछे, जो एक छोटा सा यहाँ मार्केट जैसा ही कुछ है, यहाँ कपड़ों की दुकान है। काफ़ी बड़ा प्रांगण है इस्कॉन मंदिर का। थोड़ा चलो आइए पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। अभी एक साइड कुछ एक हॉल है, तो अभी ये छाया चित्र कुछ जिसमें हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी की लीलाएँ, राधा रानी के सारे छाया चित्र यहाँ आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं यमुना मैया के किनारे से, बड़ा ही खूबसूरत सुंदर अद्भुत नज़ारा। ये सामने यमुना मैया बह रही है हमारे, और लोग बोटिंग कर रहे हैं। और वैसे भी बोटिंग यहाँ पर यमुना मैया के किनारे जो बांके बिहारी घाट है मात्र 50 रुपये, और आज जन्माष्टमी है तो इन लोगों में कुछ कंपटीशन चल रहा है, तो 20 रुपये में आपको नौका बिहार करा रहे हैं यहाँ जी लोग। तो जी दोस्तों पहुंच चुके हैं बांके बिहारी के मुख्य मार्ग पर, ये मुख्य गली है, यहाँ से बांके बिहारी के मंदिर के लिए हम जाते हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ तो इतनी है कि सुई भी ना निकल सके,
पर कैसे भी पहुंचेंगे बांके बिहारी के मंदिर तक और करेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन। वैसे कोई भी जब बांके बिहारी मंदिर या वृंदावन आना चाहे तो कृपया त्यौहार के मुख्य दिन ना आए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आना भी है तो फैमिली के साथ ना आए, अकेला आ सकता है, बच्चों के साथ या फैमिली के साथ ना आए। तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम लोग जा रहे हैं दूसरे दरवाजे से, इसका इस दरवाजे को शायद बहुत कम लोग जानते हैं, तो यहाँ भीड़ भी कम होती है और आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जो पतला सा रास्ता है, पुराना रास्ता है, गेट नंबर शायद यहाँ 7 या 3, ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर गेट है। तो यहाँ से हम जाएंगे और बांके बिहारी के मंदिर में सबसे पहले एंट्री करेंगे, क्योंकि भीड़ नाम मात्र की भीड़ होगी। और आज मुख्य मार्ग पे, मुख्य दरवाजे पे हजारों की संख्या में लोग हैं। तो चलो चलते हैं बांके बिहारी के मंदिर पर, सबसे पहले लेते हैं प्रसाद, बांके बिहारी जी के लिए प्रसाद और माला लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं बांके बिहारी के प्रांगण में और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ हिलना भी मुश्किल हो रहा है, पर कैसे जैसे तैसे दर्शन करेंगे। और सामने हमारे बांके बिहारी जी, तो बस जब वो सामने हैं तो किसी चीज़ की याद नहीं है, अब ना भीड़ दिख रही, ना दर्द दिख रहा, सिर्फ अब दिख रहे हैं। तो बांके बिहारी बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो दोस्तों करिए बांके बिहारी के दर्शन और हम भी दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं प्रांगण के बाहर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन के मुख्य मार्ग रमण रहती चौराहे पर, इस्कॉन मंदिर के सामने, इससे थोड़ा आगे चौराहा है, वहां पे है रमण रहती पुलिस चौकी। तो देखिए दोस्तों यहां कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो चलना भी मुश्किल हो रहा है। और आगे चलते और देखते आगे कितनी भीड़ है, आगे ज़्यादा भीड़ दिख रही है, शायद ना निकल पाए वहाँ से, कुछ समय लगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कितनी भीड़ है। तो देख रहे हैं आप लोग कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब यहाँ से प्रेम मंदिर थोड़ा सा दूर है, मुश्किल से होगा 300 या 400 मीटर, 300 या 400 मीटर के लिए भी लगभग लगभग मुझे 1 घंटा लगने वाला है पैदल वहाँ चल के पहुँच रहे हैं। तो अभी चलते हैं प्रेम मंदिर और आपसे मिलते हैं प्रेम मंदिर पहुँच कर। तो भाई लोगों पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर और यहाँ भी वही हाल हम यहाँ भी है जो पहले था, भीड़ यहाँ भी बहुत है। तो अंदर तो नहीं जा रहे हैं, अंदर जाना प्लान हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ से आप दर्शन करें, यहीं से मैं दर्शन कर रहा हूँ। और देखें प्रेम मंदिर कितना अच्छा लग रहा है और सुंदर भी लग रहा है। आज जन्माष्टमी है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अंदर तो अब जा ही नहीं रहे हैं, तो फिर यहीं से दर्शन करें और यहाँ से ही मैं भी घर के लिए निकल जाऊँगा। Been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अब रेलवे स्टेशन, लेते हैं टिकट और चलते हैं अपने घर की ओर ट्रेन से। तो दोस्तों अब वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करो, शेयर भी करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।